अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू किचन विद अनशरा। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ कड़ी खाउसे, जिसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे कड़ी, उसके बाद सारा प्रोसेस करेंगे। इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। फेसबुक पेज को फॉलो करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मुझे बेल फीडबैक बताएं, कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कड़ी खाउसे के इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए मैंने लिया है 1 टेबल स्पून लहसुन, 1/2 टेबल स्पून अदरक, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1 प्याज दी है, इसको इस तरीके से स्लाइस कर लिया है, थोड़े से कड़ी पत्ते, 2 से 3 हरी मिर्च दी है, इनको मोटा मोटा काट लिया है, 1 कप बेसन और 250 ग्राम दही लिया है। इसमें डालेंगे दही, इसमें बेसन का मिक्सचर बनाएंगे, जिससे बेसन बहुत ही अच्छा फिट जाएगा। अब इसमें डालेंगे बेसन, अब इसमें पिसी मिर्च और हल्दी डालेंगे, नमक अभी नहीं डालेंगे, सिर्फ पिसी मिर्च और हल्दी डालेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 कप तकरीबन पानी और इसको कर लेंगे ब्लेंड अच्छे तरीके से। पतीली में लिया है 2 से 3 टेबल स्पून तेल। अब इसमें डालेंगे लहसुन अदरक, लहसुन अदरक को भून लिया है। अब इसमें डालेंगे प्याज, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता और इसको करेंगे मिक्स। अब इसमें डालेंगे बेसन और दही का मिक्सचर जो बनाया था। इसको जग में पीसने से इसमें लम्स नहीं रहे, वरना बेसन अगर आप फेटेंगे तो उसमें लम्स आ जाएंगे, तो कड़ी नहीं बनेगी अच्छी। इसको बगैर फेटे हमने ब्लेंड करा है जग में, तो इससे इसमें लम्स नहीं आए हैं। अब इसमें डाल दिया है हमने पानी और इसको देंगे पकने। जब तक ये पक नहीं जाती, इसमें पानी डला रहेगा। इसमें डाल दिया है पानी, अब इसमें डालेंगे नमक और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए पकने को छोड़ देंगे। अब हम बना रहे हैं खाउसे के लिए चिकन ग्रेवी। इसके लिए मैंने चिकन लिया है तकरीबन 1/2 ब्रेस्ट पीस लिया था, इसको क्यूब्स में काट लिया। 1 प्याज, 1 टमाटर स्लाइस हुए हुए दोनों चीज़ें ली हैं, 1 टेबल स्पून लहसुन, 1/2 टेबल स्पून अदरक, 1 टीस्पून धनिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून लाल मिर्च। स्पैगेटी ले रहे हैं, नूडल्स लेंगे, ये तकरीबन आप जितने चाहें ले सकते हैं, 1/2 पैकेट भी ले सकते हैं, 1 पैकेट भी ले सकते हैं इसका, और इसको करेंगे बॉईल। खाउसे की कड़ी रेडी है। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसको कर देंगे साइड पर। फ्राई पैन लिया है, इसमें डाला है तकरीबन 2 टेबल स्पून तेल। इसमें प्याज डालेंगे, प्याज को हल्का सा पिंक करेंगे। प्याज पिंक हो चुकी है, हल्की प्याज पिंक करनी थी। अब इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक, अब इसमें डालेंगे चिकन, इसको करेंगे स्लाइस में। अब इसमें डालेंगे टमाटर और इसमें सारे मसाले डाल के इसको चिकन को गलने के लिए छोड़ देंगे। इसमें डालिए लाल मिर्च, हल्दी, नमक, धनिया पिसा हुआ। अब इसमें तकरीबन 1/2 प्याली पानी डालेंगे और चिकन को गलने के लिए छोड़ देंगे। खाउसे की चिकन ग्रेवी रेडी है। अब इसका चूल्हा बंद कर देंगे, स्पैगेटी बॉईल हो रही है और अब आपको दिखाएंगे इसकी सर्विंग। खाउसा रेडी है, अब इसकी सर्विंग दिखा रहे हैं। सबसे पहले एक प्याला लिया है, इसमें डालेंगे नूडल्स बॉईल हुए हुए जो आपके बताए थे कि बॉईल करेंगे। अब इसमें डालेंगे कड़ी जो हमने बनाई थी, आपको बनाने सिखाई है, इस पर ये डाल देंगे। अब इस पर डालेंगे चिकन ग्रेवी, अब इस पर डालेंगे लहसुन। लहसुन को हमने डीप फ्राई करा था, तो ये कड़क हो गया था, बहुत ही क्रिस्पी सा है, तो इसको इसके ऊपर डाल देंगे, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। लहसुन वैसे भी बहुत ही अच्छा होता है, खानों में भी डालें तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसके ऊपर डालेंगे स्लिम्स, ये आपको आसानी से मिल जाती है हर जगह, यहाँ वहाँ से आप ले सकते हैं। ये इसके ऊपर ये डाल देंगे। कड़ी खाउसे के ऊपर हमने थोड़ा सा हरा प्याज गार्निश करा है, आप चाहे तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं, हमने हरी प्याज डाली है। यह कड़ी खाउसा बिल्कुल रेडी है, इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।